मकर संक्रांति का व्रत 15 जनवरी को रखा जाएगा। 14 तारीख की शाम को सूर्य के मकर राशि में आ जाने की वजह से कुछ ज्योतिषी दोनों दिन मकर संक्रांति के होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मकर राशि के स्वामी शनि के दर्शन के लिए पिता सूर्य उनकी राशि में आ जाते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो शनिवार यानी 14 जनवरी को सूर्य रात के 8:45 मकर राशि में आ जाएंगे। शाम को मकर संक्रांति लगने पर संक्रांति का पर्व 15 तारीख को मनाया जाएगा, लेकिन 14 तारीख को भी गंगा स्नान, पुण्य जल में स्नान, दान आदि किया जा सकता है। सूर्य के मकर राशि में आने से उत्तरायण आरंभ हो जाता है। आयन का अर्थ है गति। सूर्य की दो प्रकार की गति है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात। इस बार मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी दोनों ही दिन मनाई जा रही है। आज यानी 14 जनवरी को गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और मकर संक्रांति मनाया। वहीं कुछ लोग कल मकर संक्रांति मनाने जा रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में भी रौनक खूब देखने को मिल रही है और लोग जमकर खरीदारियां भी करते नजर आए। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व का अपना एक अलग महत्व है। इस दिन गरीबों को कंबल, वस्त्र आदि का दान करना काफी उत्तम माना जाता है। इन वस्तुओं का दान करने से घर में सुख समृद्धि और मन में शांति का निवास होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान या फिर तिल से बने मिष्ठान, रेवड़ी, गज्जक इत्यादि का दान भी काफी उत्तम माना जाता है।